प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अब उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक नया थाना और बनने वाला है। थानों से आप परिचित तो होंगे। एक सामान्य थाना होता है जहां पर किसी भी प्रकार की जो समस्या होती है उसकी सूचना दी जाती है, दर्ज की जाती है। फिर कुछ समय बाद महिलाओं के लिए अलग थाने बने, महिला थाना, जिसमें महिलाओं से जुड़े हुए मामले लाए गए और उनका निराकरण करने के लिए प्रयास हुए। अब एक नया थाना और हर जिले में बनने वाला है और वो थाना होगा बच्चों के लिए, यानी कि उसका नाम होगा बाल मित्र थाना। वह बच्चों के लिए होगा पूरी तरीके से। उसमें बच्चों के जो उत्पीड़न है, बच्चों का जो शोषण है या किसी प्रकार की बच्चे की समस्या है उसको लेकर के वहाँ मामले दर्ज कराए जा सकेंगे। इस थाने की मैं एक और विशेषता आपको बता दूं कि इस थाने में जो भी ड्यूटी पर होगा वह सादा वर्दी में होगा, मतलब सादा कपड़ों में होगा, किसी भी प्रकार की पुलिस की खाकी वर्दी में नहीं होगा वहाँ पे जिसकी ड्यूटी होगी। और एक और ख़ास बात कि इस थाने में बच्चों के लिए खिलौने इत्यादि की भी व्यवस्था होगी और बच्चों के पढ़ने के लिए साहित्य की भी व्यवस्था होगी। इसको लेकर के, यानी कि जो बच्चों के थाने को लेकर के बाल संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश ने अपना जो प्रस्ताव है वह पारित कर दिया है और शासन को भेज दिया है। अब शासन जल्द से जल्द इसको किस तरीके से अपनी मान्यता देता है। और इसमें ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक बच्चों का थाना भी होगा जिसको बाल मित्र थाना कहलाएगा और उसमें बच्चों से संबंधित जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनको लाया जाएगा। इस थाने में बच्चों का काउंसलिंग भी होगी कि आखिर उन्हें किस प्रकार की समस्या है और क्यों वह इस मुकाम तक आए कि उन्हें थाने तक आना पड़ गया। तो अब इस तरीके से एक ज़िले में तीन प्रकार के थाने आपको देखने को मिलेंगे। पहला एक सामान्य थाना जहां कोई भी समस्या ली जाती है, दूसरा महिला थाना जहां महिला से जुड़ी हुई समस्या ली जाती है, और तीसरा होगा अब बच्चों का थाना यानी कि बाल मित्र थाना। आज हमारे बीच हैं चाइल्डलाइन के निदेशक ज्ञानेंद्र जी। तो चाइल्डलाइन जो संस्था है वह बच्चों से जुड़ी कई समस्याओं पर काम करती है। तो आज क्योंकि जब बाल मित्र थाना बनने की बात आ गई है तो हम इनसे ही पूछेंगे कि आखिर सरकार का ये कदम बाल मित्र थाने के लिए कैसा रहेगा। देखिए, जो बाल मित्र थाने की सरकार ने पहल की है महिला थानों के तर्ज पर, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे जो बालकों के जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको ससमय सुलझाने में बहुत मदद मिलेगी और साथ में जो बच्चों को न्याय नहीं मिल पा रहा किन्हीं कारणों से, उन बच्चों को वहाँ पे बाल मित्र थाने में वो सभी सुविधाएँ होंगी जहाँ पे के बच्चे आराम से रहकर अपनी बात बता सकें। वहाँ पे कोई भी व्यक्ति बच्चों के सामने जो है यूनिफॉर्म में नहीं होगा पुलिस का व्यक्ति, तो जिससे क्या होगा कि बच्चे जो है एक ऐसा माहौल मिलेगा बच्चों को जिसमें कि वो अपनी बातों को आसानी से रख सकें और उनकी समस्याओं पर गहन चिंतन, गहन विचार और उनका निराकरण बहुत आसानी से हो सकेगा। ये बहुत सरकार की सराहनीय है। तो बाल संरक्षण आयोग के द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, अब शासन के पाले में गेंद है, तो लगता है कि इसको अनुमति मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अनुमति मिलेगी क्योंकि बाल संरक्षण आयोग देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है जो बच्चों के लिए काम करती है और उनके आयोग के फैसले के अनुरूप जो है सभी सरकारें पूरे देश भर में बाल मित्र थाना का गठन करेंगी। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम देखेंगे कि बालकों से जुड़े हुए मुद्दों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन उनके निराकरण में हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए कि बाल मित्र थाने की जैसे ही स्थापना होगी हम फिर से आपको इसकी खबर देंगे। आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन सर। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।